जिला चिकित्सालय को लेकर प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत ये है कि मरीजों को ढंग का इलाज तक नहीं मिलता। प्रशासन के नंबर एक जिला अस्पताल का भगवान ही मालिक है। ताजा मामला जिला चिकित्सालय में रिश्वत मांगने का है। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड का मरीज के अटेंडर से 500 रुपए लेने का वीडियो वायरल हुआ है। गार्ड ने ये रुपया ब्लड का इंतजाम करने के लिए मांगा था। ब्लड डोनेट करने वाली संस्था के सदस्यों ने जानकारी लगने पर सिक्योरिटी गार्ड को जमकर पीटा। दरअसल ताजपुरा के भीषण मानकर ने 21 अक्टूबर को पत्नी सुनीता को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया था। इसी दौरान सुनीता को ब्लड चढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। भीषण ने अस्पताल के गार्ड सचिन पटेल से संपर्क किया तो उसने युवा देव दर्शन का नंबर दे दिया। संस्था रिलीफ फाउंडेशन के फैजान शेख ने सोनकच के एक डोनर को भेजकर जिला अस्पताल में ब्लड डोनेट कराया। भीषण मानकर ने सिक्योरिटी गार्ड सचिन से ब्लड के लिए संपर्क किया तो उसने 500 रुपए की मांग कर दी। सचिन का कहना था कि उसने संस्था को ऑनलाइन 500 रुपए का भुगतान किया है। भीषण ने संस्था के जितेंद्र पटेल को पूरी जानकारी दी। ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया गया। संस्था सदस्यों ने भीषण को 500 रुपए दिए। ये रुपए जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने लिए, सदस्यों ने वीडियो बना लिया। बताया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड खुद बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती था, बावजूद इसके खून बेचने का धंधा वह कर रहा था। इधर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड की जमकर धुनाई की। मौके पर पुलिस भी पहुंची, वह जांच कर रही है। इधर आरएमओ एमएस गौसर ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड सचिन पटेल को शिकायत मिलने पर 15 दिन पहले ही हटा दिया गया था। और बहुत सारी हमारी टीमें हैं जो सहयोगी टीमें हैं, सभी का काम है रक्तदान करवाना और निशुल्क रूप से रक्तदान करवाना। हमारे डोनर जितने भी आते हैं सब यहाँ पे निशुल्क रूप से रक्तदान करके जाते हैं और किसी से चाय के दागीलदार भी नहीं रहते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा था, मुझे इस वीडियो की कॉपी डाली गई है किसी व्यक्ति द्वारा और ऐसा कहा गया है कि किसी ब्लड डोनेशन कैंप वालों ने किसी ने ब्लड डोनेट किया होगा, उसके लिए कोई कर्मचारी वहाँ पर उनसे पैसे मांग रहा है किसी को ब्लड दिलाने के लिए। जब मैंने इसकी बस की आरएमओ से पता की है तो आरएमओ द्वारा मुझे बताया गया, सर ये कर्मचारी पूर्व में हमारे यहाँ का कर्मचारी था, एक सुरक्षा कर्मचारी था जिसको कि निकाल दिया गया है। वह सुरक्षाकर्मी अपने स्वयं के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था, तो इस तरह से किसी को जिसके ब्लड की आवश्यकता होगी वो उनके संपर्क में आया होगा और उसने कहा मैं तुमको ब्लड दिलवा देता हूँ। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने पूछा अगर इस तरह का कर्मचारी अपने सुरक्षा एजेंसी के द्वारा रखा गया है तो उसको तत्काल हटाएँ, लेकिन आरएमओ के द्वारा बताया गया उसको ऑलरेडी हटाया जा चुका है, वो अब हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी या अपने सिक्योरिटी एजेंसी का व्यक्ति नहीं है। बाद में जब आज खुद अटेंडर ने हमें फ़ोन लगाया कि भैया इन्होंने मुझसे पैसे मांगे हैं आपने जो डोनर पहुँचाए थे उसके, तो हमने इसका स्टिंग ऑपरेशन करने की सोची। भैया स्टिंग ऑपरेशन में हमने सर्वप्रथम अटेंडर को 500 रुपये दिए और उससे हमने बोला कि जिसने इधर से पैसे मांगे थे ये पैसे दे उसको जाके। हमने सचिन पटेल करके यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है जिला अस्पताल में, उसको 500 रुपये दिए जिसके हमने बकायदा वीडियो वगैरह बनाई हुई है, उसके वीडियो बनाते हुए उससे पैसे देते हुए उसकी वीडियो बनाई है। उसकी सूचना पे हम कितनी बार डोनेशन करने पहले भी भेज देते थे, उसका मैसेज इस प्रकार से आता था क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड को अटेंडर की स्थिति मालूम रहती है कि कैसा अटेंडर है, तो हम उसकी बात पे विश्वास भी कर लेते थे। उसका मैसेज ऐसा आता था तो भैया बहुत गरीब है, कोई है नहीं साथ में यार, इनकी व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही ब्लड की कमी है उसको, तो हम उसको भेज देते थे। आज हमें मालूम पड़ा कि इस प्रकार का काम करता है, व्यक्ति तो अपने शरीर से ब्लड निकाल के निःशुल्क रूप से दे रहा है और इस प्रकार कार्य करते हैं, तो कम से कम जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर जिला का चिकित्सालय उनको इससे और संज्ञान देना चाहिए। मेरे पास भाई अटेंडर का फोन आया कि भाई मेरे पास मेरी बीवी बीमार है और मेरी जेब में अभी 500 रुपए हैं और 500 रुपए के बाद मैं एक टाइम का खाना भी नहीं खा रहा हूँ, बिस्किट खा के मेरा दिन निकाल रहा हूँ कि न जाने मेरी औरत को कब जरूरत पड़ जाए इसके लिए। और ये भाई उनसे 500 रुपए मांग रहे थे, इसके लिए मैंने बड़े भाई से चर्चा करी और फिर इनको अभी रंगे हाथों पकड़ा यहाँ पे 500 रुपए उसके हाथ में दे के। और ये भाई पैसे मांग रहा था, बोले मैंने दूसरे का खाते में डाला है, बोले के तो 500 रुपये फिर दे संस्था वाले के खाते में ही। ये भाई ने बोला ये कैसे सिक्योरिटी गार्ड है ना का सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ, इसकी शिकायत कभी बड़े अधिकारी से करी आपने? नहीं करी है ना। क्यों नहीं करी? फिर अभी आपने किसको बुलाया, कौन से संस्था को बुलाया? तो भाई साहब को बुलाया जो ब्लड देते हैं। अच्छा, मैंने उसी दिन मांगी थी उससे, उसी दिन बोला था बस, उसके बाद मैंने बोला ही नहीं उसको, कभी नहीं बोला कि मेरे कितने पैसे थे। अभी कितने? तो मैंने खुद ने 500 रुपये का बोला था, मैंने खुद ने बोला। किन्ने आपको किन्ने बोला था कि पैसे लेके ब्लड दो आप? नहीं, मेरे को किसी ने नहीं। फिर अभी अभी आपने नाम बता दो, सचिन कौन है? और इसके साथ में आपके साथ में कौन? और कितने दिन से कर रहे हो? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया।
मैंने किससे बोला था, इसके अलावा किसी को नहीं बोला। इसके पहले भी इनके फोन आया अपने भैया, इसके पहले भी इनके